हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू SNK's किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटा आलू चना चाट। ये बहुत ही टेस्टी एंड सिंपल रेसिपी है, 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पे मैंने लिया है चना, इसे ओवरनाइट पानी में सोख करके रख लिया है। 4 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू, 1 प्याज, धनिया की पत्ती, 1 टमाटर और मिर्ची और 1 कच्चा आम। इसमें डालेंगे हम 1 खीरा, इसको फाइन चॉप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम धनिया और मिर्ची का पेस्ट बना लेते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपको। तो ये देखिए, आपका फाइन पेस्ट बन करके तैयार है। अब इसे हम बनाने का प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम चने को बॉईल कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसमें 1 सीटी लगा देंगे। बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है। तो ये देखिए, 1 सीटी लगा दिया हमने इसे। और फिर इसमें हम आलू को बारीक ऐसे काट लेंगे और फिर वो मिला देंगे। और थोड़ा सा डालेंगे हम प्याज, 1 टमाटर और खीरा। खीरे को हमने ऐसे फाइन चॉप कर लिया है। फिर डाल देंगे हम कच्चा आम, इसको भी आपको ऐसे बारीक काट लेना है। 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें ब्लैक पेपर और 1 चम्मच पिंक सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालिएगा। और 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें ऑलिव ऑयल। बस अब आपको इसे मिक्स कर देना है। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। एक बाउल आप इसे खा लेंगे तो घंटों भर आप फुल फील करेंगे, आपको मील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम इसमें कोरिएंडर का जो हमने पेस्ट बनाया था वो मिला देंगे और बस इसे प्रॉपर मिक्स कर देना है। आप इसे एज अ मील भी खा सकते हैं। तो ये देखिए, टेस्टी आलू चना चाट बनकर के तैयार है। अब इसे हम सर्व करेंगे। तो आप इसे एज अ मील लंच में या डिनर में इसे खा सकते हैं आप। तो बस इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया की पत्ती ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये देखिए, टेस्टी आलू चना चाट बनकर के तैयार हो गया है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई। पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।